गुड मॉर्निंग। आज पता है मैं आपको क्या बताने वाली हूं? आज मैं आपको इन एंड आउट बताने वाली हूं, यानी कि इन कब होता है और आउट कब होता है। बेटा गो आउट। देखो मैंने बोला गो आउट तो वो लड़का घर के बाहर चला गया। बाहर यानी के आउट। कम इन। और जब मैंने उसे बोला कम इन अंदर आओ तो वो लड़का वापस घर के अंदर आ गया। इन यानी के अंदर, आउट यानी के बाहर। ओके बच्चों, अभी मैं कुछ और चीजें भी दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये एक पेंसिल बॉक्स है ना? और ये मेरे पास में एक पेंसिल है, लेकिन ये पेंसिल कहाँ है? क्या ये पेंसिल बॉक्स के अंदर है? नो, ये तो बाहर है। सो दिस इज आउट, राइट? अब हम इसको अंदर डाल दें। हमने पेंसिल बॉक्स खोला, पेंसिल को अंदर रख दिया, पेंसिल बॉक्स बंद। नाउ वेयर इज द पेंसिल? कहाँ गई? अभी तो यही थी। ओ हाँ, हमने उसे पेंसिल बॉक्स में रख दिया। सो द पेंसिल इज इन द बॉक्स, है ना? द पेंसिल इज इन द पेंसिल बॉक्स। ये रही, ठीक है? तो जब वो पेंसिल बॉक्स के अंदर है, इन का मतलब क्या होता है? अंदर। तो जब वो पेंसिल, ये जो पेंसिल है, पेंसिल बॉक्स के अंदर है, सो इट इज इन। और जब हमने इसको बाहर निकाल के रख दिया या हाथ में पकड़ लिया, इट इज आउट, राइट? दिस इज आउटसाइड द बॉक्स, दिस इज इनसाइड द बॉक्स। और दिखाऊं? सी, आई हैव अ टॉय बॉक्स। मेरे पास में एक थोड़ा बड़ा सा टॉय बॉक्स है, इसमें मैं अपने बच्चे के टॉयज रखती हूँ। देखें इसके अंदर में क्या है। कैन यू सी दिस ट्रक? आप ये ट्रक देख सकते हो? ये एक टॉय ट्रक है। और ये कहाँ है? ये बॉक्स के अंदर है। बॉक्स के अंदर। अब हम इस बॉक्स को बंद भी कर सकते हैं। ये बंद हो गया बॉक्स। तो वो ट्रक कहाँ है? वेयर इज द ट्रक? द ट्रक इज इन द बॉक्स। वेयर इज द ट्रक? द ट्रक इज इन द बॉक्स। इन है, वो इसके अंदर है। और ये एक और टॉय है, लेकिन ये बॉक्स के अंदर नहीं है, बॉक्स के बाहर है। सो बाहर मतलब आउट। दिस टॉय इज आउट, आउटसाइड द बॉक्स। ये आउट है। सो इन आउट। अब हम इसको भी इन कर सकते हैं। इन, और इसको बाहर निकाला तो आउट, ठीक है? अभी मैं कुछ और भी दिखाती हूं। ये देखो, ये बुक शेल्फ है। बुक शेल्फ मतलब वो अलमारी जिसमें हम किताबें रखते हैं। हाँ, तो ये एक बुक शेल्फ है, राइट? इसमें देखो कितने सारे बुक्स हैं। अब ये हमने एक बुक ली। वेयर इज द बुक? द बुक इज इन द बुक शेल्फ, इन द बुक शेल्फ। वेयर आर द बुक्स? द बुक्स आर इन द बुक शेल्फ। बुक्स कहाँ पर है? बुक्स बुक शेल्फ में है ना? बुक शेल्फ के अंदर है। इन। और ये देखो, ये कुछ बुक्स बाहर पड़ी हैं। दे आर आउट। दीज बुक्स आर इन। ये बुक शेल्फ के अंदर हैं। देखा? और ये बुक्स बाहर पड़ी हैं। दे आर आउट। सो इन आउट। ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये तो बिस्किट पैकेट है ना? दिस इज अ बिस्किट पैकेट। हम सबको पसंद है ना क्रीम वाले यम यम बिस्किट। सो ये बिस्किट का पैकेट यहाँ रखा है टेबल पर। और यहाँ पर मेरे पास में एक कंटेनर भी है। कंटेनर किसको बोलते हैं बच्चों?
कंटेनर बोलते हैं डब्बे को, हम हिंदी में बोलते हैं ना डब्बा डिब्बा, हाँ उसे इंग्लिश में कंटेनर बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ एक कंटेनर यानी के डब्बा भी है। ये देखो डब्बे में क्या है, अरे वाह डब्बे में भी बिस्किट्स हैं। सो दीज बिस्किट्स आर इन द बॉक्स इन द कंटेनर। ये बिस्किट्स कहाँ हैं, ये डब्बे के अंदर है ना। और ये बिस्किट कहाँ है, क्या ये बिस्किट भी कंटेनर के अंदर है? नो दे आर आउट ऑफ द कंटेनर, ये डब्बे के बाहर है ना। ये बिस्किट अंदर है इन द कंटेनर, दीज बिस्किट्स आर इन द कंटेनर एंड दिस बिस्किट पैकेट इज आउट ऑफ द कंटेनर। ये बिस्किट पैकेट डब्बे के बाहर है, आउट। ओके सो इन आउट, इन जो अंदर है वो इन, जो बाहर है वो आउट। अब हम इसे भी इन कर देते हैं, तो इसको इन द कंटेनर रख देते हैं। वी विल कीप दीज बिस्किट्स ऑल्सो इन द कंटेनर। ठीक है, देखो ये पैकेट को डब्बे के अंदर डाला और इसको बंद कर दिया। नाउ अब क्या हुआ, अब हमारे पास में बाहर में कोई भी बिस्किट नहीं है। ऑल द बिस्किट्स आर इन द कंटेनर, ऑल द बिस्किट्स आर इन द कंटेनर, सारे बिस्किट्स डब्बे के अंदर हैं। आई होप बच्चों आपको इन और आउट समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं ठीक से समझ में आया है, टेल मी, आप मुझे कॉल करके बता सकते हो या फिर हमारे ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। ओके बच्चों, अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो मैं दोबारा से दूसरी चीजों को एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक बड़ा डब्बा या कोई बास्केट, कोई टोकरी या फिर की कोई कार्टन होता है ना, गत्ते के डब्बे आते हैं कार्टन, कोई भी ऐसा कुछ लेना है। और फिर आपको थोड़ी बहुत चीजें लेके दिखानी है, व्हाट इज इन द कंटे व्हाट इज इन दैट बॉक्स एंड व्हाट इज आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सामान आप उसके अंदर डाल देना, थोड़ा बाहर रखना, एंड यू कैन पॉइंट आउट एट ईच ऑब्जेक्ट। एक एक चीज आप उठा के दिखा सकते हो और बता सकते हो उसकी पोजीशन कि वो इन है या वो आउट है। ओके बच्चों, टेक केयर।